आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बॉल है जिसका मास 0.1 kg है वो एक हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन करता है एक बॉल के साथ जिसका मास अननोन है ओके और वो बॉल इनिशियली रेस्ट पे थी इफ द पॉइंट वन के जी बॉल जो जीरो पॉइंट वन के जी वाली बॉल है वो रिबाउंड कर जाती है वन थर्ड ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड के साथ तो हमें दूसरी बॉल का मास बताना है ओके okay? तो सॉल्यूशन में सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं इनिशियली ये जो मास है पॉइंट वन के जी वाला वो जा रहा है लेट से कुछ स्पीड वी के साथ ओके okay? और ये जो मास m है वो इनिशियली रेस्ट पे है फाइनली कोलिजन के बाद ये जो पॉइंट वन है वो इस तरफ जा रहा है रिबाउंड कर रहा है वन थर्ड इट्स ओरिजिनल स्पीड वी बाय थ्री के साथ राइट right? और ये जो एम है लेट से ये जा रहा होगा वी डैश के साथ सबसे पहले तो कोलिजन हुई है तो मैं मोमेंटम कंजर्व करूंगा कोलिजन में मोमेंटम क्या रहता है कंजर्व इनिशियली ये वाला तो मूव ही नहीं कर रहा था सिर्फ यही मूव कर रहा था तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा मास इन टू वी एम इन वी राइट फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा ये v by 3 के साथ पीछे जा रहा है तो मास इसका पॉइंट वन इंटू विलोसटी माइनस वी बाई थ्री राइट क्योंकि पीछे की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव प्लस ये वाला m v डैश के साथ आगे जा रहा है सो तो m into v'. Secondly, मैं क्या लिख सकता हूँ e की इक्वेशन लिख सकता हूँ क्योंकि इलास्टिक कोलिशन है तो e इक्वल टू वन होगा e का फॉर्मूला क्या होता है विलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन तो आफ्टर कोलिजन ये कितनी वेलोसिटी के साथ सेपरेट हो रहे हैं ये v बाय थ्री से इधर जा रहा है ये v डैश से इधर जा रहा है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगी वी डैश प्लस वी बाय थ्री डिवाइडेड बाई नीचे होता है डिनोमिनेटर में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन बिफोर कोलिजन ये रेस्ट पे था तो इसको वी से अप्रोच कर रहा था तो ये आ जाएगा इक्वल टू वन से यहां से वी डैश आ जाएगा वी माइनस वी बाय थ्री राइट वी को उधर लेके जाऊंगा और फिर प्लस वी बाय थ्री उधर जाके माइनस वी बाय थ्री हो जाएगा दैट इज टू वी बाई थ्री वी डैश कितना आ गया मेरे पास टू वी बाय थ्री आ गया अब इनिशियल मोमेंटम जो कि था पॉइंट वन इंटू वी वो होगा फाइनल मोमेंटम के इक्वल सो पॉइंट वन इंटू माइनस वी बाय थ्री प्लस एम इंटू वी डैश वी डैश की वैल्यू टू वी बाय थ्री राइट यहाँ पे एम इंटू वी डैश था वी डैश की वैल्यू मैंने पुट कर दी टू वी बाय थ्री सो यहाँ से पूरी इक्वेशन में से वी कॉमन लेके कैंसल हो जाएगा राइट right? तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा पॉइंट वन इज इक्वल टू माइनस पॉइंट वन इन वन बाय थ्री राइट सो पॉइंट वन बाय थ्री प्लस टू एम बाय थ्री पूरी क्वेश्चन को थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पॉइंट थ्री हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस पॉइंट वन ये वाला थ्री कैंसिल हो जाएगा प्लस टू एम ये वाला थ्री भी कैंसिल हो जाएगा सो so, यहां से मेरे पास टू टाइम्स एम आ जाएगा पॉइंट थ्री प्लस पॉइंट वन विच इज इक्वल टू पॉइंट फोर एम आ जाएगा By 2, that is equal to .2 kg. So, मेरा की कितनी लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट ऐप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ